नमस्कार दोस्तों, संस्कृत बागेश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपको सेट एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप होता है, हर एक राज्य का अपना एक राज्य स्तरीय सेट परीक्षा होती है, जिसमें कॉलेज की परीक्षाओं के लिए पूर्व परीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार नेट एग्ज़ाम होता है, तो इसके बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनका आपको मैटर नहीं मिलता या अन्य कोई कारण है, तो उसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट हैं कि हमें वो पढ़ाइए। तो मैं इसके लिए ये समझती हूँ कि आपको सेट का या नेट का पैटर्न बिल्कुल दिमाग में वैसे योजनाबद्ध तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके पुराने प्रश्न पत्रों को हमें पढ़ा जाए। तो एक श्रृंखला आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले UGC नेट का क्या माइंडसेट होता है परीक्षा में प्रश्न देने का, हर एक पुस्तक में से, क्योंकि सेट और नेट में पढ़ी जाने वाली जो पुस्तकें हैं, बाकी जो फर्स्ट ग्रेड हो गए या आपके टेट एग्ज़ाम हो गए, इनसे बढ़कर के कुछ नई किताबें हैं और उन किताबों को हमें किस गहनता से पढ़ना है, इसके लिए आपको पूर्व जो परीक्षा है उनसे समझना होगा। और बहुत पुरानी 2010-11 की नहीं, बल्कि 2017-18-19 में जो परीक्षाएँ हुई हैं, UGC नेट और सेट परीक्षाएँ, सेट का पता नहीं है आपके राज्य में किस प्रकार होती है, लेकिन नेट परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है, ठीक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें क्या परिवर्तन आएगा ये हम 2021 में देखेंगे, लेकिन वर्तमान में हमको UGC नेट के माध्यम से जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इसके प्रश्नों का स्तर हमें पता होना चाहिए। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की प्रक्रिया से, एक नई श्रृंखला हम चालू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैं लाइव आकर बताना चाहती थी, लेकिन बहुत अधिक बरसात के कारण यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए आज हम इसी तरह शुरू कर रहे हैं इसमें। तो आपको प्रश्न पढ़ूंगी और उत्तर बताऊंगी, आप स्वयं का परीक्षण कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला प्रश्न इसमें है, जो कि तर्क संग्रह से आया है, कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह तर्क संग्रहे कह प्रोक्तः। तो आपको स्वयं इसका उत्तर देखना है, मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। इसमें उत्तर आएगा नंबर 1, अन्योन्या भाव, ठीक है। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, ये है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र से आया है कि अर्थशास्त्र से चतुर्थम अधिकरणम वर्तते, अर्थशास्त्र का चौथा अधिकरण क्या है। देखिए, चौथा अधिकरण जो है, इसमें राजा को ये बताया है कि कौन कौन से प्रकार के कार्य करके वो अपने छिपे हुए और सामने आने वाले शत्रुओं को नष्ट कर सकता है, तो ये विधियाँ बताई है। तो जो चौथे नंबर का अधिकरण है, इसमें आता है दोस्तों कंटक शोधन, डी इसका आंसर होगा। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो चतुर्थ अधिकरण है, इसके अंतर्गत कंटक शोधन के विषय में कहा गया है। फिर अगला प्रश्न आता है महाभाष्य से। देखिए, हर एक ग्रंथ अपने आप में बहुत ही विशद है, इनका अध्ययन करना और इसके बीच में से वो पंक्तियाँ निकाल करके प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर देना सच में एक कला है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। महाभाष्य से अगली है कि महाभाष्य व्याकरणस्य आनुषांगिक प्रयोजनेषु विभक्तिम कुर्वन्ति इत्यस्य क्रमो अस्ति, विभक्तिम कुर्यन्ति। देखिए, महाभाष्य के अंतर्गत जो व्याकरण है, इसके 5 प्रमुख और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं, उसमें से विभक्तिम कुर्वन्ति ये कौन से नंबर का है ये पूछा गया है इसमें। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें 7वें नंबर का। कौन से नंबर का है विभक्तिम कुर्वन्ति? 7वें नंबर का। अगला प्रश्न है साहित्य दर्पण, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा विस्तार से हम पढ़ चुके हैं, और ये छठे जो परिच्छेद है उससे ये प्रश्न आपके सामने रस से संबंधित है, कि साहित्य दर्पणानुसारम रसास्वादने को हेतु, साहित्य दर्पण के अनुसार रसास्वादन का हेतु क्या है। जैसा कि हमने इसमें बताया था कि रति इत्यादि जो स्थायी भाव है, सहृदय के हृदय में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन विभाव अनुभव इत्यादि के द्वारा वो और जागृत हो जाते हैं। तो सही क्या हो जाएगा इसमें? सत्व की अधिकता, उसको रसास्वादन का हेतु है, ठीक है। अगला आता है अब, जो कि अर्थ संग्रह से लिया गया है, कि व्रीहीन वहंतीति कस्य विधे उदाहरणम अर्थ संग्रह दिशा, ये आपको बताना है। व्रीहीन वहंतीति, तो आपको ये बताना है, इसमें सही उत्तर आ जाएगा, अर्थ संग्रह को और विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, इसमें सही उत्तर आएगा श्रोति परिसंख्या विधेयः, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि मेहश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युस्थानम योग्यम वपुः इत्येवं कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम, ये बताया है कि इसके अंतर्गत
ये जो आप विशेषता बताई है कि मेह छेद कृशोदरम, उदर कैसा होना चाहिए? कृश होना चाहिए। लघु भवत्युत्थानम योग्यम वपु, और अधिक आपके उत्थान के लिए। वपु कहते हैं शरीर को लघु होना चाहिए, भवत्यु, ठीक है। तो ये सब लक्षण किसके हैं, क्या करने के लिए ऐसा होना चाहिए? मृगया के लिए, पर्यटन के लिए, किसके लिए होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा तपश्चर्या के लिए। आप तपस्या में ध्यान लगा करके बैठें, यदि बहुत ज़्यादा स्थूल मोटा का शरीर है आपकी, तो आप चैन से इतनी देर बैठ ही नहीं सकते, तो तपस्या के लिए भी हल्का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कृशोदरम, इस प्रकार से ये वैशिष्ट बताया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है शम प्रधानेषु तपोधनेषु गुणम ही दाहात्मकम अस्ति तेज स्पर्शानुकूला एवं सूर्यकांता तद अन्य तेजो भी भावाद वमंती। यानी कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक है, जिसमें कि शम प्रधानेषु तपोधनेषु, यानी कि यहाँ पर जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करता है तब का ये श्लोक है। तो इसमें पूछा गया है कि तत्पदेन किम द्योतते, ये आया है सूर्यकांत तदस अन्य तेजो अभी भवाद, ये जो बोला गया है ना तद अन्य तेजो, ये तद किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कि तप के लिए। देखिए इन्होंने यहाँ पर श्लोक में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो शम प्रधानेशु, शांति प्रधान जो आश्रम होते हैं, तप धनेशु मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका तपस्या ही उनका धन है, तप उनका धन है, तो उनके तेज जो है वो आश्रम में फैला हुआ है। तो यहाँ पर उनका तेज, उसका किसके लिए आया है? तप रूपी तेज। किसके लिए आया है? तप रूपी तेज के लिए यहाँ पर आया है, तो साथ में कभी हो जाएगा। फिर आता है तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि इत्युद्धरणम वर्तते। ये उदाहरण किसका है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए ये अगर आप लोगों ने, देखिए पहले तो मैं इसका उत्तर बताती हूँ कि ये जो पंक्ति है ये उद्धरण संकलित किया गया है कठोपनिषद से। कठोपनिषद का भाग एक और भाग दो दोनों पढ़ाए जा चुके हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। हालांकि ये चीज़ें हम काफ़ी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार फिर से इनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं इसमें कि तस्माद् ऋचः साम यजुंषी दीक्षा पंक्तिरियं कुत्र प्राप्यते। तस्माद् ऋचः साम यजुंषी, इस प्रकार ये कौन सा मंत्र है? प्रसिद्ध मंत्र है, कर्मकांड करने वाले जितने भी साथी होंगे जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा शुक्ल यजुर्वेद से। कहाँ से उद्धृत है ये पंक्तियाँ? देखिए वेदों के लिए भी बहुत सारे जितने भी नेट के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं वे सारे सूक्त वागीश्वरी पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मशक कल्प सूत्रम कस्य वेदस्य अस्ति। अब देखिए ये भी वेदांगों के अंतर्गत कल्प सूत्रों में पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही सरल है यदि आपने वागीश्वरी के लेक्चर अटेंड किए हो तो। मशक कल्प सूत्र किस वेद का है ये आपको बताना है। सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों इसका साम वेद का। किसका है? साम वेद का। मशक कल्प सूत्र किसका है? साम वेद का। अगला प्रश्न आता है जो कि बहुत ही सरल आता है, वो भी शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य इति लक्षण लक्षिता चित्तवृत्ति का योग दर्शनानुसारेण। योग दर्शन का है ये। किसका है? योग दर्शन। योग दर्शन और न्याय दर्शन पर पृथक पृथक वीडियो है, तो आपको ये बताना है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य इति लक्षण लक्षिता चित्तवृत्ति का योग दर्शनानुसारेण। तो योग दर्शन के अनुसार ये प्रकार की जो चित्तवृत्ति है उसको क्या कहते हैं? सही है उत्तर विकल्प, ठीक है। बहुशाखा अनंता मतलब बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं हैं, इस प्रकार से गीता में भी कहा गया है, ठीक है। फिर आता है अगला प्रश्न कति विधास तुष्टयः सांख्ये परिणीता। कितनी प्रकार की तुष्टियाँ सांख्य दर्शन में कही गई है ये आपको बताना है। सांख्य दर्शन भी बढ़ाया जा चुका है और सांख्य दर्शन भी आप देख सकते हैं, उसमें ये अलग से बिल्कुल बताया गया है सेपरेटली। कति विधासु तुष्टयः सांख्य परिगणिता, सांख्य दर्शन में कितनी प्रकार की तुष्टियों के विषय में चर्चा की गई है बताएं। सही उत्तर आ जाएगा इसका डी, नौ प्रकार की तुष्टि। कितनी प्रकार की? नौ प्रकार की तुष्टियों के विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रतिहर्ता ऋत्विक कस्य गणस्य विद्यते, ये बताना है आपको। प्रतिहर्ता ऋत्विक जो होता है किस गण का होता है? अध्वर्यो ब्रह्म गणस्य, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी उद्गात्री गणस्य। किसका होता है प्रतिहर्ता ऋत्विक?
उद्गात्री गणस्य। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि कस्माद हेतो हो प्रधानस्य अनुपलब्धि सांख्य रीत्या। सही बताएंगे इसमें किस हेतु से प्रधानस्यानुपलब्धि सांख्य रीत्या। तो सही उत्तर आएगा इसका डी सोक्षम्याद। अगला प्रश्न देखते हैं कस्याम उपनिषदि भृगुवल्ली उपदिष्टा। अब बताना है आपको कि भृगुवल्ली किसके अंतर्गत कही गई है। बहुत ही सरल उत्तर है, बहुत ही प्रसिद्ध ये है, भृगुवल्ली बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको बताना है किस उपनिषद से संबंधित है। सही बता देती हूँ, आप स्वयं उत्तर का निश्चय कीजिएगा, डी इसका उत्तर आ जाएगा, तैत्रीयोपनिषद से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न देखती हूँ। नित्याज्ञानाधिकरणत्वम किम तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षणम प्रोक्तम। ये आपको बताना है कि नित्याज्ञानाधिकरणत्वम ये तर्क संग्रह दीपिका में किस चीज़ का लक्षण दिया गया है, बताइए। बहुत ही सरल है ये, तो आप स्वयं भी जान सकते हैं। इसका सही उत्तर आ जाएगा दोस्तों ईश्वरस्य। सही उत्तर क्या आ जाएगा, डी ईश्वरस्य। ठीक है, फिर आता है रुद्रदामन गिरनार लेखा कस्याम भाषायाम विद्यते। रुद्रदामन के अशोक के जो अभिलेख हैं उनके लिए पृथक से वीडियो बनाए हैं, तीन तीन अच्छी तरह। गिरनार अभिलेख पढ़ लीजिए, एहोल शिलालेख पढ़ लीजिए, ये सब पढ़ाए गए हैं। ठीक है, सही बताइए उत्तर क्या आएगा इसका, रुद्रदामन गिरनार लेखा कस्याम भाषायाम विद्यते। बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको बहुत ही सरल है ये कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ये किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊंगी आगे, और जो इसके अंतर्गत है बचा हुआ वो आपको देखना है। फिर आता है फल लक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु कस्या पर्याया विद्यते। ये आपको देखना है फल लक्षणा निम्नलिखित में से किस में से जो फल लक्षण है वो कौन सी लक्षणा का पर्याय कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बी प्रयोजनवती लक्षणाया। किसका हो जाएगा, प्रयोजनवती लक्षणाया। अगला है पुरुषस्यास्तित्वम सांख्य रीत्या कस्माद हेतो हो। पुरुष का जो अस्तित्व है वो सांख्य की रीति में किसका कारण है, किस कारण से है, तो बताइए। उसमें चार पांच कारण बताए गए हैं, उनमें से ये कौन सा इसमें आएगा ये बताइए, बताइए। अधिष्ठानात, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, अधिष्ठानात। देखिए उसमें ये बताया जाता है आपको कि ये समस्त जो दुनिया में चीज़ें हैं उनका उपयोग वे स्वयं नहीं करती हैं, इसलिए जो पुरुष इत्यादि उत्पन्न होते हैं ये जैसे नदियां परोपकार के लिए होती है, स्वयं जल नहीं पीती है, इसलिए संसार के जितने भी सामान है हमको दिखाई देते हैं वो किसी और पर्पज से हैं, किसी और व्यक्ति के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो ये किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आता है अधिष्ठानात। ठीक है, अगला आता है अज्ञानस्य समष्टियोपहितम चैतन्यम वेदांते किम उच्यते। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए अज्ञान की समष्टि के लिए चैतन्य को वेदांत में क्या कहा गया है। वेदांत दर्शन भी आपको पढ़ाया है, इन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों ईश्वर के विषय में यहां पर कहा गया है। देखिए जो अज्ञान की सारी समष्टि जो है उनसे ऊपर है और स्वयं चैतन्य स्वरूप है उसको ईश्वर कहा गया है। ठीक है, यानी कि हमको ये जो संसार दिखाई देता है इसमें यही कहा है कि अज्ञान की जो शक्तियाँ होती है इसकी वजह से ये जो दृश्य जगत है ये है नहीं, ये हमको अज्ञान की वजह से दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर जो है वो इन सारी चीज़ों से ऊपर अज्ञान की समष्टि की वजह से हमको दिखता नहीं है, लेकिन चैतन्य वही है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से ये अज्ञान की सृष्टि के विषय में बताया गया है। तो दोस्तों ये नेट के जो प्रश्न उत्तर थे उसकी श्रृंखला की शुरुआत मैंने आज कर दी है, क्योंकि हम लाइव नहीं हैं दोस्तों, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, आपके उत्तर आए हैं मैं आपको जवाब दूं या आपके उत्तरों को सुनकर के सही या गलत बताऊं, तो उसके बिना थोड़ा सा बोर लगता है। अगले टाइम हम जब भी आएंगे तो इसको लाइव इन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चुने हुए प्रश्न जो कि दर्शनों से संबंधित थे, उपनिषदों से संबंधित थे, आपको पसंद आए होंगे। ये 2018 के पेपर के अंतर्गत मैंने लिए हैं जो कि आपके बहुत काम के आएंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि दर्शन और उपनिषद से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो अभी की कक्षा के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी श्रृंखला में नए, लेकिन अब कल जब मिलेंगे तो लाइव मिलेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।